हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे फिर से इस यूट्यूब चैनल टेक फ्रेंड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको एक शख्स के बारे में बताऊंगा जो फेसबुक के फाउंडर हैं। शायद आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हों। ये इस बच्चे को आप अभी तक नहीं जान रहे होंगे, बट मैं इसका जब पूरा पिक्चर ड्रॉ करूंगा तो शायद फिर भी आप इसे नहीं पहचान पाएंगे। ये वो शख्स है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये मार्क जुकरबर्ग का बचपन का फोटो है जो स्कूल के टाइम में लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस आदमी का बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सोशल नेटवर्किंग फेसबुक का यूज करते होंगे तो उसमें ज़्यादा योगदान मार्क जुकरबर्ग यानी मैं जिनका फोटो बना रहा हूँ उनका हाथ है। मतलब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के भगवान माने जाते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो आइए हम आपको उनके सारे लाइफ के बारे में बताता हूँ धीरे धीरे करके। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट मार्क जुकरबर्ग के बारे में जानने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। मार्क जुकरबर्ग का जन्म व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में 14 मई 1984 को हुआ था। मार्क के पिता एडवर्ड जुकरबर्ग वे एक दंत चिकित्सक हैं और माँ करीन जुकरबर्ग एक मनोचिकित्सक हैं। प्राथमिक स्कूल में ही मार्क जुकरबर्ग का प्रोग्राम में बहुत रुचि रही। जब लगभग वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने एक अटारी बेसिक का उपयोग करके मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया था जिसका मार्क ने जुकनेट नाम दिया था। मार्क के पिता ने इस प्रोग्राम को अपने दांतों के कार्यालय में उपयोग करते थे ताकि दंत रोगी को का स्वागत करने वाला जो दंत चिकित्सक के कार्यालय में बाहर खड़ा होने वाला व्यक्ति था उसे उनके कमरे में जाकर चिल्लाना नहीं पड़ता था। मार्क ने जो जुकनेट प्रोग्राम बनाया था उसे मार्क का पूरा परिवार घर के भीतर बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। फिर उसके बाद मार्क ने उनके दोस्त के साथ मिलकर मनोरंजन के लिए कंप्यूटर गेम भी बनाया था। मार्क की कंप्यूटर में बढ़ती रुचि को बनाए रखने के लिए मार्क के माता पिता और पर्सनल कंप्यूटर के शिक्षक डेविड नियोना को हर सप्ते में एक बार घर आकर मार्क के साथ काम करने के लिए काम पर रखा। इतना ही नहीं, मार्क ने अपने उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बुद्धिमान मीडिया MP3 प्लेयर भी बनाया जिसमें एक MP3 प्लेयर की लिस्ट बन जाती थी और इस लिस्ट में अपने आप यूजर को एक्टिविटी से MP3 लिस्ट वही बजती जो यूजर को अभी सुनना चाहता था। 2003 में मार्क जुकरबर्ग को गर्मी के शाम फेस मास्क बनाने का विचार आया। मार्क ने हार्वर्ड के डेटाबेस को हैक करने का निर्णय लिया जहां स्कूल स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड भी करते थे। मार्क ने जल्द ही एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो ऑटो टू फीमेल के इमेज शो करता था और उन पर वोटिंग चलता कि कौन इन दोनों में से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वोटिंग वेबसाइट पर आने वाले लोगों के द्वारा दी जाती राय वेबसाइट पर वोटों को उस वोटिंग के सहारे उस वेबसाइट पर दिए गए फोटो के जीत और हार की घोषणा की जाती। मज़ा तो तब आया जब फेसबुक के फाउंडर 2003 में फेसबुक का इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड वाइड परमिशन दे दिया। जब तक 2.5 करोड़ लोगों ने इसका यूज किया था तब तक मार्क जुकरबर्ग बिलियनर्स में शामिल हो गए थे। मतलब सबसे अमीर कम एज वाले बच्चे में शामिल हो गए थे जो उनके लिए बहुत अच्छा था। अभी माना जाता है कि मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स में से एक हैं और उन फिर इस काम के लिए मार्क जुकरबर्ग को बहुत सारे कंपनी खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। जैसे याहू ने उन्हें खरीदने का कोशिश किया 50 मिलियन
$50 मिलियन डॉलर देने का वादा भी किया, बट फेसबुक ने मतलब मार्क जुकरबर्ग ने इस बात को ठुकरा दिया और उन्होंने अपने फेसबुक को साइट को नहीं बेचा और वो दुनिया का अभी सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग है। मतलब कि आप जान रहे होंगे फेसबुक में दिन प्रतिदिन लाखों अकाउंट अभी भी बनाए जा रहे हैं, जिससे मार्क जुकरबर्ग दिन पर दिन और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही ऐसा मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आते रहूँगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए लेफ्ट साइड में लाल बटन को क्लिक कर